बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपको हमारे चैनल वे टू इंस्पिरेशन। होप यू आर ऑल फाइन। तो जैसे कि आप देख रहे हैं सिचुएशन अभी कोरोना का बूम हो रहा है, अभी इंडिया थर्ड नंबर वर्ल्ड में आ गया है। बहुत कोशिश किया गया, लॉकडाउन शटडाउन सब कुछ किया गया, लेकिन कुछ उतना नतीजा नहीं आया। हालांकि बहुत कुछ रिकवरी रेट अच्छा है इंडिया में। तो देखिए, इतने बड़े देश को भी बंद नहीं किया जा सकता ज़्यादा दिन, क्योंकि लोग यहाँ ज़्यादा डेली वेजेस के रूप में भी काम करते हैं और इकोनॉमिक कंडीशन भी इंडिया का जस्ट डेवलपिंग स्टेज में है, इतना डेवलप नहीं हुआ है। तो देखिए, हम इसमें हर व्यक्ति एक कोरोना योद्धा के रूप में काम कर सकता है। तो ये वाली बात जो मैं बोल रहा हूँ, ये समझने की बात है, ना कोई अप्लाइड साइंस है। इसको आप बिना स्किप किए अच्छे से देखिए और समझिए और हर किसी को पहुँचाइए ये संदेश। देखिए, इसमें हम बोलेंगे कि गवर्नमेंट नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो सब भूल जाइए। व्यक्तिगत स्वार्थ को पूरा त्याग दीजिए और अगर हम सब राष्ट्रगत स्वार्थ, सामूहिक स्वार्थ को चिंतन करें तो हर कोई एक कोरोना वॉरियर के रूप में काम कर सकता है, हर इंसान, क्योंकि हर किसी के पास वो कैपेबिलिटी है। और इससे निकलने के लिए हर आदमी को, हर इंसान को काम करना पड़ेगा। तो देखिए, फर्स्ट थिंग इज इम्यूनिटी। अभी जिसको भी देखिए, जहां भी देखिए, सब कोई बात करते हैं इम्यूनिटी। देखिए, अगर ज्यादातर देखिए ओल्ड पीपल, उनको क्यों हो रहा है कोरोना, क्यों जल्दी अफेक्टेड हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ इम्यूनिटी। एज कंपेयर टू रूरल पीपल, विलेज पीपल, सिटीज और टाउन में ज्यादा अफेक्टेड है, क्यों, बिकॉज ऑफ इम्यूनिटी। तो इसी बात को आप समझिए कि अगर आपका इम्यूनिटी बूस्ट कर दें, इंसान का अगर इम्यूनिटी बूस्ट हो जाए तो कोरोना कोरोना कुछ भी नहीं पकड़ सकता। और इम्यूनिटी बूस्ट करना हर किसी के हाथ में है, हर कोई कर सकता है, बिल्कुल आसान चीज है, कुछ भी नहीं। सिंपल, आप डेली एक्सरसाइज कीजिए, सुबह उठ के डेली एक्सरसाइज इतना कीजिए, रनिंग फनिंग जो भी कीजिए, पूरा पूरा पसीने निकल आए उतना ही काम कीजिए, चाहे आप बगीचे में काम कीजिए। देखिए, गांव के लोग क्या करते हैं, ज़्यादा खेती बाड़ी करते हैं, इसलिए उनका स्ट्रेंथ कितना अच्छा है। खाने में फलाहार लीजिए, डाइट में नेचुरल सी, विटामिन सी जैसे खाना लीजिए, नारंगी, आपका संतरा, अमरूद, पपाया, चेरी, ग्रीन वेजिटेबल्स, आजकल जो भी पेस्टिसाइड्स आपके घर में जो उगा रहे हैं अच्छा है, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स बिना सार दिया। आजकल तो जहाँ भी देखिए खेती में पेस्टिसाइड मार रहे हैं, लेकिन फिर भी आप बहुत जगह पे बिना पेस्टिसाइड्स और ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स फ्रूट्स पाएंगे। ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वन इज इम्यूनिटी एंड आपका डाइट, विटामिन सी और फलों से पूर्ण डाइट, ये सब कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है, खर्चा कुछ नहीं है। योगा प्राणायाम वो भी कीजिए, अच्छा है, जिसमें जिसमें आपका शारीरिक फिजिकल एक्सरसाइज हो रहा है, हठ योग बहुत ही अच्छा चीज है, हठ योग करिए, आसन प्राणायाम कीजिए, बहुत अच्छा है। और इसके लिए आजकल तो आपका ट्रेनर भी कोई जरूरी नहीं, सबसे अच्छा आपको यूट्यूब में इतने अच्छा बता रहे हैं कि आप घर में भी सीख सकते हैं। स्कीपिंग कीजिए सुबह उठकर, अगर बाहर नहीं जा पा रहे हैं, जिम फिम कीजिए, ज़्यादा भीड़ भाड़ एरिया में अगर जिम करना अच्छा नहीं लग रहा है, घर में स्कीपिंग कीजिए, पुशअप्स कर सकते हैं, दंड बैठक कर सकते हैं, बहुत चीज़ है। अगर आपके पास डम्बेल नहीं है, ईंट पकड़ के कर सकते हैं, इन कीजिए। तो अभी देखिए कि जितने भी कंपनीज हैं, मेडिसिन फार्मा, हर्बल्स, आयुर्वेदिक, सब इम्यूनिटी के ऊपर फोकस कर रहे हैं और उनका भी प्रोडक्ट्स तो सेल हो रहा है, इसी के ऊपर ही सेल हो रहा है, सेल्स बहुत बढ़ गए। बहुत सारे मैं देखा हूँ, हर्बल्स कंपनी, आयुर्वेदिक कंपनीज, आपका मेडिसिन कंपनी, सप्लीमेंट्स, सब में इम्यूनिटी के बढ़ाने के लिए उनका बहुत कुछ सेल हो रहा है। और आगे भी आपका योगा इंस्ट्रक्टर, जिम, न्यूट्रिशनिस्ट, इस समय करियर बहुत आगे जाएगा, अभी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी।
देखिए दोस्तों, देसी खान पान से भी आपका इम्यूनिटी बूस्ट हो सकता है। जैसे कि देखिए सत्तू, बिहार में बहुत खाते हैं सत्तू, वो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, एक हेल्दी ड्रिंक्स जो बोलते हैं। लेकिन हम लोग क्या, पिज़्ज़ा बर्गर कोल्ड ड्रिंक्स ये सब के इतने आदी हो गए हैं, तो हमारे बच्चे भी इसमें आदी हो जाते हैं, जंक फूड्स, चाउमीन, मंचूरियन, तो ये सब चीज़ देखिए जितने भी जंक फूड है ये आपका इम्यूनिटी को लो कर देगा। स्ट्रेसफुल वर्क ये भी आपका इम्यूनिटी को लो कर देगा। जैसे कि आप जानते हैं अभी कारखानाएं बंद थी, फैक्ट्रीज बंद था, बहुत सारे व्हीकल्स भी चल नहीं रहे थे, तो कितना पोल्यूशन लेवल कम हो गया। नेपाल में 200 किलोमीटर के दूर से हिमालय का आप हिमालय देख सकते हैं थे उस टाइम में। एक ऐसी अवस्था में आ गई प्रकृति जैसे कि रिसेट हो गई। कोरोना देखिए कोई ये चीज़ नहीं है, इसमें मैंने इंसान इतना प्रकृति को इतना बेरहम कर चुका था तो उसमें रिसेट होना जरूरी है, तो ये कोई अभिशाप नहीं है, इसको वरदान समझिए। प्रकृति को ये एक रिसेट में आ गया। हम क्या बेवजह पेड़ काट रहे थे, जंगल नष्ट कर रहे थे, माइनिंग कर रहे थे, बिल्डिंग्स फैक्ट्रीज बढ़ा रहे थे, तो इसमें क्या होगा, धरती तो कितना सहेगी। तो ये चीज होना है, होना था और होएगा भी, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। हम अभी हर कोई इंसान देश सेवा कर सकता है, मैं खाली यही बताना चाहता हूँ। प्रकृति जो कर रही है वो ठीक कर रही है, तो इसी तरह आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहिए, जितना हो सके घर में रहिए, भीड़ भाड़ इलाके में मत जाइए, जितना हो सके शाकाहारी भोजन कीजिए, और एक भी तथ्य में पाया गया है शाकाहारी भोजन से भी आपका इम्यूनिटी अच्छा रहता है। तली हुई चीज़ें, बासी खाद्य, वो सबसे दूर रहिए, तो आप एक अच्छे स्वास्थ्यवान इंसान बन सकते हैं। देखिए एक एक नागरिक अगर अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग हो जाए तो पूरा देश सजग हो जाएगा, लेकिन एक एक इंसान से वो चीज़ शुरू होनी चाहिए, तब जाके सामूहिक काम होगा। इस संदेश को पहुंचाइए हर किसी को, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपना ही दोस्त समझिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।